Hello, my dear students. So, in previous section, we had seen the cross multiplication, A cross B. अब cross multiplication का जो vector product था, वो vector product में हमने थोड़ा सा ही portion उसका देखा था. हमने क्या देखा था कि जब अगर आपको किसी भी vector की value direct units में दे रखी हो, जैसे कि A की value दे रखी है 5 और B की value, for example, की आपको दे रखी है 6 और दोनों के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री. सो ए क्रॉस बी अगर फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ए बी साइन 30 की वैल्यू ऐसे डाल के, ए और बी और साइन 30 की वैल्यू डाल के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट अब हम ये लेक्चर में क्या देखेंगे, वी विल सी दैट सपोज इफ द वेक्टर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल की वैक्टर ए है 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड बी है i माइनस 3j प्लस k फॉर एग्जाम्पल. तो ये केस में हम a क्रॉस b कैसे फाइंड कर सकते हैं. रेडी, सो फॉर दैट लेट्स अज्यूम कि ये एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, बट मैं आपको थियोरिटिकल एग्जांपल देता हूं. सपोज ए की वैल्यू है, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं. सपोज कि आपके पास एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यहां पे स्मॉल ए कर देते हैं, एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. तो ये केस में अब हम मान लो कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है. देखो डायरेक्ट अगर आपको वैल्यूज दे रखी है वेक्टर ए और वेक्टर बी की, तो तुम डायरेक्ट ए बी साइन थीटा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. बट ए क्रॉस बी जब दिया हुआ है, सो व्हाट कैन यू डू, आपको क्या करना है, सबसे पहले दो लाइंस करनी है, मोड बनाना है. देन यू हैव टू राइट इनिशियली द कोऑर्डिनेट्स विच आर द आई जे के यूनिट वैक्टर्स. रिमेंबर चैप्टर नंबर 7, सॉरी चैप्टर नंबर 4 में हमने बताया था कि आई क्या है. आई कैरेट इज आई कैरेट जे कैरेट एंड के कैरेट आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो i कैरेट, j कैरेट, k कैरेट. ठीक है, ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, a की जो तीन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है वो हमें लिखनी है. तो ये हो जाएगा ax, ay एंड az. देन आफ्टर वी हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ b, विच इज bx, by, bz. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैरेट. अब आई कैरेट लिखने के बाद हमें क्या करना है कि आई को, कि ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर कर देना है. तो आपको ये चार क्वांटिटीज मिलेगी, इतनी ही बचेगी. फिर आपको क्या करना है, ये याद रखना है, पहले ऐसे फिर ऐसे. ठीक है, मतलब ये हो गया. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये वाली लाइन, तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस, ठीक है, अब ये वाली लाइन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ए जेड बी वाई. ठीक है, फिर लिखेंगे जे, बट जे के आगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ये स्टेप को स्किप नहीं करना है, मतलब अच्छे से समझना है, यहां गलती से प्लस नहीं लिखना है. सो माइनस जे करने के बाद क्या होगा, माइनस जे करने के बाद अगेन जे लिखने के बाद आपको जे की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों आपको कवर कर देना है. तो बचेगा क्या, ये चार ही बचेंगे. अब इसमें पहली ये वाली लाइन, तो बी जेड जाएगा यहां पे, क्योंकि ये बीच वाली लाइन तो कवर हो चुकी है. तो क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस
के कैरेट। तो के कैरेट में क्या होगा, के कैरेट है तो उसको कवर कर दो, ये यहां पे जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस, ये इसको कवर कर दो तो ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स, दैट मीन्स आई और के पॉजिटिव रहेंगे, बस जे ही हमारा नेगेटिव रहेगा। अब क्या करना है, ये जे को हमें, जे का माइनस हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा रहेगा नेक्स्ट स्टेप ऑलवेज। सो ये ए क्रॉस बी का आंसर तुम्हारा होगा आई कैरेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब ये माइनस जे की जगह हम कर देंगे प्लस जे, और पीछे वाला स्टेप हम आगे ले लेंगे, पीछे वाले स्टेप को पॉजिटिव कर देंगे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस के कैरेट ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ए क्रॉस बी का आंसर। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूला, आपको बस ये सॉल्व करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता है कि अब हमें ए क्रॉस बी के दो फॉर्मूले मिले, एक कौन सा था कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, जिसमें हम डायरेक्ट ए की वैल्यू डालते हैं, डायरेक्ट बी की वैल्यू डालते हैं और एक साइन थर्टी। ठीक है, और दूसरा है जब आपको कार्टेशियन कंपोनेंट्स में दिए हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द आंसर, फॉर्म ऑफ द आंसर, एमसीक्यू में आपको क्या पूछा है। एमसीक्यू में अगर आपको आंसर आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट के टर्म में पूछा है तो यही करना पड़ेगा। पर आंसर में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है 10, 15, 25, 30, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो अब एक और चीज देखते हैं कि भाई हमें पता है कि अब हम करेंगे कि आई क्रॉस आई क्या होगा। ठीक है, रिमेंबर चैप्टर नंबर 4 की आई, चैप्टर नंबर 6 की आई डॉट आई होता था 1, I डॉट j होता था 0, सेम लाइक डेट j डॉट j 1 होता था, j डॉट k होता था 0, k डॉट k होता था 1, k डॉट i होता था 0। ये डॉट प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज थी। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसी आइडेंटिटीज क्या होगी। अब दो वेक्टर, तो मैंने ये जब एक्सप्लेन किया था तब पढ़ा था कि दो वेक्टर अगर सेम है, मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही डिरेक्शन में है, एग्जैक्टली पैरेलल। ये केस में दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, जीरो। तो आई क्रॉस आई मतलब आई की वैल्यू, अब आई यूनिट कैरेट है तो उसकी वैल्यू होगी 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों के बीच का एंगल, आई की वैल्यू 1, दूसरे आई की भी वैल्यू 1, दोनों वेक्टर सेम है, दोनों के बीच का एंगल जीरो। तो 1 × 1 × 0, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0। तो वैसे ही k क्रॉस k भी होगा 0 और j क्रॉस j भी होगा हमारा 0। अब ऐसे ही याद रखो कि i क्रॉस j करोगे तो आंसर आएगा k कैरेट। क्या करोगे, i क्रॉस j करोगे तो आंसर आएगा k कैरेट। कैसे आएगा ये आंसर, चलो तो मैं आपको भी सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि ये है x एक्सिस और x एक्सिस में तो हमारा यूनिट वेक्टर होता है i कैरेट, वैसे y एक्सिस में क्या होता है j कैरेट, और z एक्सिस पे क्या होता है k कैरेट। z एक्सिस हम यहां पे अभी लिख रहा हूं मैं, बट z एक्सिस जो है इट इज ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। नाउ अब मान लो कि हमें करना है i क्रॉस j, तो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल सिखाया था कि भाई राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि फिंगर्स को पहले रखना होता है i पे। ठीक है, तो ये i पे हमने फिंगर्स कर दी, अब उसको फिंगर्स को फोल्ड करना है i टू j, तो अब j तो ऊपर है तो फिंगर्स ही हमारे i पे होगी, और i टू j, j ऊपर है तो i से j पे गए, तो थंब कहाँ गया, थंब आ रहा है ऊपर। तो ऊपर वाली डिरेक्शन में जो भी वेक्टर है वो तुम्हारा आंसर है, और ऊपर वाली डिरेक्शन में क्या आ रहा था k, तो ये i क्रॉस j हो गया हमारा k।
सेम लाइक दैट अगर आप सारे ही वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ऐसी पैटर्न बनेगी। देखो पैटर्न आपको याद रखनी है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो ये जो आपको डिफरेंस है दोनों के बीच का, ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है कि आई डॉट आई वन मिलेगा बट आई क्रॉस आई जीरो मिलेगा। दो इक्वल का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में वन होता है बट दोनों इक्वल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो जीरो और जीरो होता है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट में डॉट मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है चलो, तो ये आपको आइडेंटिटीज दे रखी है बुक में, आप उसको देख लेना। एक और चीज, अब मान लो कि आई क्रॉस जे हमें क्या मिला, तो भाई आई क्रॉस जे हमें मिला के, आई क्रॉस जे मिला के, तो उल्टा भी हो सकता है कि भाई जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। ठीक है, वैसे के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। वैसे इसका उल्टा करोगे आई क्रॉस के तो वो हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, अब इसमें से ही मान लो कि आई क्रॉस माइनस जे है, आई क्रॉस माइनस जे, तो अगेन यहां पे हो जाएगा माइनस के। अब मान लो ऐसा है कि माइनस आई क्रॉस माइनस जे, तो अब ये वापस हो जाएगा प्लस के। एक माइनस आएगा तो यहां पे साइन चेंज होगी, दूसरा माइनस आएगा तो अगेन साइन चेंज हो जाएगी। ये आपको इसमें से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक और यूजफुल आइडेंटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट डिटेल में पढ़ने जाओ तो बहुत बड़ा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको। नाउ नेक्स्ट, यहां पे टेक्स्ट बुक में आपको कुछ और आइडेंटिटीज दे रखी है। जैसे कि हमें पता था कि ए डॉट बी प्लस सी, अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते थे, लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बट अगर हम ऐसे लिखे कि ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। सेम आइडेंटिटीज यू कैन सी ओवर हियर टू। फिर यहां पे बुक में एक और आइडेंटिटी दे रखी है आपको कि ए क्रॉस ए ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो कैसे, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ए क्रॉस ए क्या होगा, ए ए साइन जीरो। दोनों वेक्टर सेम है तो उनके बीच का एंगल जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका जीरो। रेडी, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि भी ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बट ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि B क्रॉस A करोगे तो आंसर आपका उल्टा हो जाएगा, जो मैंने आपको भी यहां पे एक्सप्लेन किया है कि भाई I क्रॉस J K है, पर इन दोनों को उल्टा कर दे J क्रॉस I तो हो जाएगा माइनस K। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शंस भी आती है इसलिए। ठीक है, तो यहां पे हमने वेक्टर प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सारे ही टाइप के मैंने आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है एग्जांपल नंबर 7.4। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, एग्जांपल 7.4, पे अटेंशन। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। सी, यहाँ पे दोनों ही चीजें दे दी आपके पास है, वेक्टर ए जो है 3i-4j प्लस 5k, और फिर है वेक्टर बी इज इक्वल टू -2i+j -3k। ठीक है, अब इसमें आपको स्केलर और वेक्टर दोनों चीजें फाइंड करनी है, तो पहले हम फाइंड करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी। ठीक है, तो ए डॉट बी
तो अब a की वैल्यू हम लिखेंगे, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 3i माइनस 4j प्लस 5k डॉट माइनस 2i प्लस j माइनस 3k। ठीक है, तो अभी हमने जो आइडेंटिटीज देखी थी कि भाई दोनों जो सेम होते हैं, डॉट में हमने क्या देखा था कि भाई दोनों सेम होते तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों अलग अलग होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाता है। तो आई के साथ आई को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × -2 क्या हो जाएगा, -6। ये -4 है और ये +1 है, तो ये हो जाएगा -4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये +5 है और -3 है, तो हो जाएगा -15। तो ये केस में हमारा ए डॉट बी का आंसर आएगा -25। ठीक है, अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में हम क्या देखेंगे भाई, अब डेटा आपको कार्टेशियन कंपोनेंट में दिया है, और कार्टेशियन कंपोनेंट में आपको ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ये मेथड से। चलो तो क्या करेंगे, मोड लिखेंगे आई जे के, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो +3, फिर है ये -4 तो यहाँ लिखेंगे -4, ये हो गया +5, यहाँ पे हो गया -2 +1 -3। ठीक है, तो अब देखो आई को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब आई, तो ये आई को ऐसे कवर करो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा हमारा, -4 एंड -3 हो जाएगा +12 माइनस, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। फिर करेंगे माइनस जे, अब माइनस जे करेंगे तो जे को ये और ये कवर करो तो ये यहां पे जाएगा, तो +3 एंड -3 तो -9 माइनस, ये यहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, प्लस के कैरेट, तो ये केस में अब हम क्या करेंगे, के को ऐसे कवर करेंगे, के को कवर करेंगे तो ये यहां पे जाएगा तो 3, और ये यहां पे जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो आई 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा +7, और माइनस जे -10 और -9 तो ये हो जाएगा हमारा -19। ठीक है, एंड प्लस के 3 − 8 तो ये हो जाएगा -5। तो ऑलमोस्ट हमारा आंसर वेरीफाई कर लेते एक बार, ए क्रॉस बी का आंसर दिया है 7i। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ जे है तो ये स्टेप हमारा गलत लग रहा है। ठीक है, और ये -5 का ये बराबर है। चलो तो ये स्टेप में क्या गलती है, देखो तो यहाँ पे ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन में ही गलती हुई होगी, तो जे को अगर कवर करते हैं तो ये 3 × 3 = 9 प्लस और माइनस, ये -9 माइनस, फिर जे को कवर करो तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 5 = 10 -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये कैसा होगा मल्टीप्लीकेशन, -9 माइनस -10, ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा ये। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका +1, क्या हो जाएगा +1। तो अब इसको अरेंज करो अच्छे से, तो 7i माइनस जे -5k, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। रेडी, तो यहां पे बुक में लिखा है कि नोट करो कि भाई अगर बी क्रॉस ए करते हैं, क्या करते हैं बी क्रॉस ए, तो ये सारे वेक्टर्स उल्टे हो जाएंगे, -7i प्लस जे प्लस 5k कैरेट। ठीक है, चलो तो यहां पे अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है ना, विच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, और ये वेक्टर प्रोडक्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया है हमने, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इन
एक्स्ट्रा अबाउट दैट आपको क्या करना है कि कोई रेफरेंस बुक अच्छे से मतलब रेफरेंस बुक अच्छी परचेज करनी है, उसके में से ये क्रॉस प्रोडक्ट के जो भी है बहुत सारे एग्जांपल्स कोई भी रेफरेंस बुक में होंगे उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा एंड इट्स रिलेशन। With linear velocity, which is a v, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। अब ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि स्केलर रिलेशन याद रखना। थियोरी बहुत बड़ी है बट मैं आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करता हूं, जितना मैं एक्सप्लेन करता हूं उतना ही याद रखना है। स्केलर रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्केलर रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा इज गिवन बाय आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, यही तो हमें फाइंड करना है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब ये रिलेशन दो टाइप के होते हैं, स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है। स्केलर रिलेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। चलो अब इसमें v क्या है, r क्या है, ओमेगा क्या है, सारे टर्म को अच्छे से समझते हैं। देखो मान लो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि हर ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जहां पे वो ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है। इमेजिन करो कि यहां पे एक पार्टिकल P है, तो ऑब्वियसली वो पार्टिकल भी ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। जब ये सर्कुलर मोशन बनाता है तो वो यहां पे एक रेडियस बनाएगा, वो रेडियस है r। तो हमारे केस में ये जो r है ना, वो r हमें क्या लेना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्टेंस वो होगा हमारे हमारा ये r, ठीक है। अब देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये पॉइंट पे सपोज पार्टिकल है तो ये पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी होगी ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होगी वेलोसिटी v। अब वो पार्टिकल गोल घूमते घूमते यहां पे आ गया, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कोई पता है कि यहां पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन में है। दैट मींस वी इज रिप्रेजेंटेड बाय टेंजेंट, जो हमने देख लिया था ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटीज डायरेक्शन क्या है, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब देखो तो ये हमने क्या देखा कि वी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, v की डायरेक्शन टेंजेंट से फाइंड करते हैं। v की वैल्यू क्या होती है, तो v की वैल्यू ये फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब हमने v को अच्छे से समझ लिया कि ये लीनियर वेलोसिटी है, डायरेक्शन टेंजेंट से फाइंड करते हैं, वैल्यू फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, r क्या है वो हमने देख लिया। अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये हमें अभी समझना है। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, देखो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां पे पार्टिकल मान लो कि ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है। अभी पार्टिकल यहां पे है पी पॉइंट पे और पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल घूमते घूमते यहां पे आ गया,
कौन से पॉइंट पे, पी डैश पॉइंट पे आ गया। तो मतलब पार्टिकल ने इतना डेल्टा थीटा जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। डेल्टा थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसके वो टाइम कंज्यूम करता है सपोज डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसमें हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डाल दें, ठीक है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दे दे, मतलब टाइम बहुत कम ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। ये हो गया हमारा ओमेगा, मतलब ये किसका फॉर्मूला हो गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और डायरेक्टली वी कैन से इट इज अ सिंपल एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारा, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको वी आर और ओमेगा के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि वी क्या है, आर क्या है, ओमेगा क्या है। ठीक है, तो ये वी इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो स्केलर रिलेशन है बिटवीन वी एंड ओमेगा। अब वेक्टर रिलेशन भी आता है, वेक्टर रिलेशन बिटवीन वेक्टर वी एंड ओमेगा वी, ओमेगा वेक्टर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, और ये आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट करना है, याद रखना है मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी इज इक्वल टू आर क्रॉस, अरे सॉरी मैंने उल्टा लिखा, इट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ठीक है, आपकी बुक में ये फिगर 7.17 B है ना, उसी में लिखा हुआ है नीचे कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और आपको ये फॉर्मूला सीधा एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, पर वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस R होगा। ठीक है, सेम अगेन ये आर क्या है, ये आर मतलब हमारा यही डिस्टेंस होगा। ठीक है, बुक में आपको एक अलग से कंसेप्ट दिया है कि यही आर क्यों होगा, उसके पीछे भी एक रीजन है, तो वो रीजन थोड़ा लेंथी है, हम वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन है, उसमें थोड़ा पोर्शन बाकी है जो कि अब हम कल देखेंगे। सो टिल दैट, रीड ऑल द सेंटेंस केयरफुली, read line by line, and if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.